हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? और गुड मॉर्निंग मैंने बाद में रिकॉर्ड करी है और बाकी का व्लॉग मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। हमारे घर के आसपास के जो लोग हैं, मतलब वो गाड़ी में से झांकते हुए जाते हैं, ये पता नहीं क्या फोन से लगी रहती है, खुद से बातें करती रहती है। लोगों को ऐसा लगता है इनको क्या पता कि मतलब भाई हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं घर से, बस अभी घर से निकले हैं, जस्ट घर के बाहर हम जा रहे हैं शनि मंदिर। और उसके बाद हमें थोड़ा सा होली का सामान लेना है ऑफ कोर्स, क्योंकि घर पे हमारी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, माय सिस्टर इन लॉ। एंड देखते हैं होली का क्या प्लान है। इस बार हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि हम लोग बाहर पार्टी वार्टी करने जाएंगे, सो हम लोग घर ही रहने वाले हैं। क्या कहते हो अंकित? घर ही रहेंगे। इतना उदासी भरे चेहरे से। अभी मेरा फ्रेंड ही पूछ रहा था, कौन सा फ्रेंड, और दिवाली होली का क्या सीन है? मैं घर पे पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं का देख लियो भाई, साले घर पे ही है। कौन पूछ रहा था? ये मेरा फ्रेंड रहता बार बार। ओके, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि मतलब कोई पार्टी हो और हम ना जाए। और अब हमारे घर से ऊपर से आई है टोकरी, इसमें है सामान और अंकित, इसमें है गाय की रोटी। हमने गाय माता के लिए रोटी बनवाई है, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे ना बहुत सारी गायें होती है, तो उसमें हमने उनके लिए रोटी बनाई और हम उनको वहाँ खिलाएंगे। हम लोग आ चुके हैं शनि मंदिर और अंकित दे रहा है पूजा का सामान और चलते हैं मंदिर। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सैटरडे है और सैटरडे को शनि मंदिर भीड़ नहीं है। मतलब आई गेस हम टाइम से ही पहुंच गए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग लेट हैं, हम बहुत जल्दी आए हैं शनि मंदिर। बट ऑनेस्टली मतलब मैं शॉक्ड हुई देख के कि यहाँ भीड़ नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग ही हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे भोले बाबा, मतलब इनको देख के तो मेरे ऐसे इमोशंस हो जाते हैं, मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ अंकित जला रहा है दिया और बस इसके बाद हम अपने नंबर की वेट करेंगे। वैसे तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2-3 लोग ही हैं, बट स्टिल ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। और हमारा नंबर आ चुका है फाइनली, सो बस अब हम लोग करेंगे पूजा पूरे मन से। हम हर सैटरडे शनि मंदिर आते हैं और कभी कभी शाम को आते हैं, मोस्टली सुबह ही आते हैं, कोशिश करते हैं हम सुबह आएं। क्या कर रही है? कुछ कह रही है क्या तेरे को? वो डर लगता है मुझे। भी डर लगता है। ये लो, अब मेरे हाथ पे मत मारना, पूरी भी लाई हूँ मैं आपके लिए, खाओ। लो, ये खाती नहीं है, ये जरा से चबाती है, स्टोर कर लेती है, कल तक चलाएंगी। तेरे से रोटी खुद ही खा ले, तो दो रोटी तेरे में भी ताकत आ जाए पहले। एक ही गौ माता को खिलाएंगे क्या हम? हाँ खिला दे भाई, एक का तो पेट भर, चारों खिलाने से चारों भूखे रहे से एक का तो पेट भरे। तो पता कर लेना एक गौ माता कितना खा सकती है, फिर यहाँ पे काउंट कर ले। तुझे भी खिला देगी, पूरा खा देगी तेरे को भी। मुझे भी खा देंगे? मेरे को इंसान को थोड़ी खाती है गाय। मिली पूरी पूरी खिला दे, वो तेरी तरह बच्चे की तरह नहीं खाती वो। अच्छा। उसको पूरी रोटी देगी, पूरी रोटी एक बारी में निकल जाएगी वो। गाय है कौन है? जाके देख ले नीचे। सीन तो है नहीं, जाके देख ले। तू कह रहा पूरी खिला दूं? अंकित कह रहा पूरी। ओए आपने तो मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया पूरा, मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी। ये लो। अरे भैया पंकज की गाड़ी गंदी कर रही हो गया? बस एक लास्ट रह गई है। हेलो जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत चंगा लग गया। जय गौ माता। चलो नहीं कह के गई है कि मेरा व्लॉग बना दियो और खुद पता नहीं कहा छुपके खड़ी हो गई है, मैं इसको कहाँ ढूंढूं। मैं 2 मिनट फोन में कहीं बिजी हुआ, रेडी भी तो मेरे को दिख ही नहीं रही, कहाँ नहीं है। कोने में हाथ दिख रहा है मिली का, छोटा छोटा सा, ये घड़ी। तो यार बाहर आके ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई भूख ना लगे, मतलब स्पेशली मेरे साथ। मैं तो भाई घूमती घूमती मुझे भूख लग जाती है, काम से आऊँ तो भी भूख लग जाती है, बिना किसी काम के आऊँ तो भी भूख लग जाती है। तो मैं आई हूँ अपने फेवरेट छोले कुलचे खाने, जो कि हैं वीट वाले। ये प्लेट मेरी नहीं लग रही है, अभी किसी और को दे रहे हैं,
और ये है गुजरावाला टाउन में। यार मेरी भूख का लेवल देख रहे हो कि भाई मैं सामने से चलती चलती भी खाती खाती आ रही हूँ, मतलब इतनी तेज़ भूख लगी है मुझे कि मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और अंकित अंदर बैठा हंस रहा है। तू तो पैक कराने गई थी। मैंने बोला दो पैक कर दो, एक मैं खा लेती हूँ। मैंने तो पैक तो आएगा नहीं, पैक अभी कर रहे हो। गाड़ी में दे जाएगा? नहीं, फिर महारानी को लेने जाना पड़ेगा, है ना। स्वाद शक्ल से कितना। मैं सोचा तू तो खाएगा नहीं, अभी तूने तो आलू पूड़ी खाई है। और अब हम आ चुके हैं होली का सामान लेने, जैसे कि हमें चाहिए हैं बहुत सारे गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे। मतलब पिचकारी नहीं चाहिए, पर पता नहीं मुझे क्या ही शौक चढ़ा है कि मेरा बहुत मन है इस बार पिचकारी लेने का। आप देख सकते हो यहाँ पे इस शॉप पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है। और अंकित की डिमांड तो कुछ अलग ही होती है। इसको स्काई शॉट्स चाहिए, इसे बड़े बड़े यू नो सिलेंडर्स चाहिए, तो मतलब अनार एंड ऑल इसके तो अलग ही डिमांड है हमेशा की। ये पहुंच गया अपना सिलेंडर लेने। ये हर साल ये सिलेंडर्स लेता है और इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, इतने ज़्यादा प्रेशर से कलर आता है कि मुझे ऐसा लगता है 2 किलोमीटर दूर बंदा भी ना जो खड़ा होगा वो पूरा रंग जाएगा इससे, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें। तो ये तो इसका फेवरेट है, ये हर होली पर ये लेता ही लेता है, तो इसके बिना तो इसकी होली कम्प्लीट है ही नहीं। और इसके बाद हमने आई गेस क्या लिया, इसके बाद हमने लिए बहुत सारे गुलाल। हर्बल लिए क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वैसे सारे गुलाल मैं अपने मुंह पे नहीं लगाने वाली ऑफ कोर्स, पर फिर भी मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई भी घर में लगा रहा है, हम किसी को भी लगा रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक हर्बल सो दैट वो किसी को भी नुकसान ना करे। और यहाँ पे आप देखो पिचकारियों की वैरायटी कितनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ अंकित ने ऑलमोस्ट अपना सामान इकट्ठा कर ही लिया है। ये पता नहीं क्या ही लिए इसने, 2 बॉक्सेस, कुछ कलर्स, स्काई शॉट्स हैं आई गेस, अपने 2 सिलेंडर्स भी ले लिए हैं। और उसके बाद भाई साहब अभी अनार भी लेंगे, अभी कौन से पता नहीं कौन से क्रैकर्स होते हैं कलर वाले वो भी लिए हैं। मतलब इसने होली इस बार घर पर ही सेलिब्रेट करनी है, घर पर सेलिब्रेट करने के बावजूद ये शॉपिंग कर रहा है। गॉड, मतलब इसको आप बीट नहीं कर सकते हो। मुझे कलर्स वैसे पसंद नहीं है, बट हाँ लिटिल बिट गुलाल एंड ऑल मुझे समझ आता है। ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं भैया, और इन लोगों को भी पता होता है ना कि सामने वाला ख़रीद लेगा तो ये वैरायटी दिखाते ही रहते हैं। और ये है वो स्काई शॉट जिसकी मैं बात कर रही थी। इन्होंने पता नहीं कितने तरीके के दिखा दिए कि इसमें 2 हैं, उसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 9 हैं। और मैंने पूछा कि ये डब्बों में क्या है, तो इन्होंने बोला ये नेचुरल कलर्स हैं जो कि आप पानी में डालेंगे तो ये नेचुरल कलर क्रिएट हो जाएगा। ये हर्बल है, बिल्कुल आप खुद बना सकते हैं इसे घर पे। मैंने बोला भाई इतना टाइम नहीं है, कुछ और ही दिखाओ। इसमें रेड और पिंक कलर नहीं आता हर्बल में? दिखाना रेड। रेड हमने लिया नहीं ना, रेड और वो पिंक, मजंटा पिंक झटाक, मजंटा पिंक झटाक। क्योंकि जो हर्बल वाले वो वाले कलर हैं उनकी कलर बहुत लाइट आते हैं। शमित के लिए ले लेते हैं। ये दिखाना, ये तो पड़े सामने। हाँ। तो उसको पहना देंगे, क्या कहते हैं तेरा सबको। और होली की शॉपिंग करने के बाद, आई मीन कलर्स लेने के बाद, मैं सीधा आ चुकी हूँ कमला नगर। मुझे देखना था कुछ होली के लिए, इस बार मैंने कुछ नहीं सिलवाया है। हेलो, प्लेन दिखाना भैया। तो ऐसे में ले लेने वाले जो होल्डर था इसके साथ वाला, ये वाले हम लोग आए हैं होली की शॉपिंग करने। इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग पहनेंगे, तो हमें यहाँ पे एक क्यूट सा भाई मिला और इसके साथ ही नहीं जा रहे हैं। भाई बताएगा। और मैंने फाइनली होली के लिए क्या लिया ये तो आपको तभी पता लगेगा। और अब हम आए हैं होली की शॉपिंग करने। इसके ट्रेनर ने हमें बोला था इसके लिए एक लीश ला दो, कैल्शियम बोन ला दो, तो बस हम वो लेने गए थे। हमें लगता नहीं ऐसे लीश की नीड है। यहाँ पे देखो डॉग फूड कितना सारा पड़ा है। तो आए हैं अब फ्रूट्स लेने। अंकित सिर्फ अकेला फ्रूट्स लेने गया है और मैं कार में बैठी हूँ क्योंकि ओली है हमारे साथ, है ना भाई, ओली डरता है। तो हम लेने आए वाटरमेलन, सरदा एंड ऑल। आने आए हो तरबूज? ओली को भी करा दो। ओली को तो करा रहा हूँ। उन्हें खाली हो कैसे?
ओला। तो भाई ये है हमारा डिस्प्ले जो कि है होली के सामान का, मतलब बहुत सारे स्काई शॉट्स, बहुत सारे कलर्स, सिलेंडर्स, गुलाल। ये बाल नकली बाल, आपके बाल खराब होंगे इसलिए। अब जरा शीशा देख, क्या शानदार लग रही है, बिल्कुल गुड़िया लग रही है। ये भी आया आपके लिए स्पेशली। अच्छा मम्मी ली पहने घूम रही थी दुकान पे, तो हाँ इसमें पहन के घूमते हैं ना मैच वाले में भी, तो दिखाते हैं ना कहीं ना कहीं अलग अलग। आज तो बड़ा सारा सामान, दो सिलेंडर, ये है स्काई शॉट। होली पे स्काई शॉट कौन जलाएगा? अबे हम ही जलाएंगे। ये है वो हाथों में शूट करने के लिए, हाथों में पकड़ के मुद्रा लेने दो। ये है अनार, और ये दीदी लाई है गुब्बारे मारने के लिए गली के बच्चों को। दीदी मारेंगे बच्चों को? मम्मी के चंदन। ये है चंदन, मम्मी के लिए, आपके लिए। बाकी गुलाल के पैकेट, लोग आ चुके हैं घर और फिर से बहुत सारी शॉपिंग करके सामान लेके, जिसमें है फ्रूट, स्वीट्स, और देन वी आर ईटिंग गोलगप्पास एज यूजुअल। मैं खाऊंगी छोले कुलचे फिर से, क्योंकि मैं पैक करा के लाई थी। बस एक ही कुलचा है वो मैं खाऊंगी। और अब हम बना रहे हैं रील्स, तो आप देख सकते हैं। ये आज कौन सा शूट हो रहा है? कबूतरी शूट। कैसे? ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।